सो बिग न्यूज इज कमिंग आउट ऑफ सेंटर और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि उसके एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप SOL में पढ़ते हैं या फिर आप NCWEB कहीं के भी स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया है कि 1 जुलाई से आपके एग्जाम होंगे। आई एम आदित्य आदन वॉचिंग द सोशल इंडियन और आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसकी बातें अब खत्म हो चुकी हैं, क्या होगा और कैसे होगा यहाँ पर वो क्लियर किया गया है। तो अगर आप फाइनल टर्म के स्टूडेंट हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्लियरली ये कहा है। अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो 14 मई की नोटिफिकेशन है और मैं आपको यहाँ पर दिख रही होगी नोटिफिकेशन, और 14 मई की इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे फाइनल सेमेस्टर टर्म और ईयर के, जो कि एकेडमिक सेशन 2019-20 में अब तक खत्म हो जाने चाहिए थे। तो उनके लिए बताया गया है कि 1 जुलाई से उनके एग्जाम होंगे अगर सब कुछ कुशल मंगल रहता है और अगर स्टूडेंट्स की सेफ्टी और हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होता है। उस समय तक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा सकता है तो 3 सेशन में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और संडे के दिन भी एग्जाम हो सकता है, ये यहाँ पर क्लियरली कहा गया है। लेकिन इन केस की सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए जा सकते हैं सेफ्टी और हेल्थ के रीज़न पर, तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी और हेल्थ जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है और उसी के कारण अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन को यहाँ पर जो है वो प्रीफरेंस दी जा सकती है, यानी आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है बाकी ईयर्स के स्टूडेंट के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके लिए भी कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा और एक डिटेल्ड डेट शीट जो है वो यहाँ पर आएगी आपके लिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ बाय द एंड ऑफ मई आपके लिए एक डिटेल्ड डेट शीट आ जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपका ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम अब आपको देने पड़ेंगे, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। हो सकता है ये कई लोगों के लिए नाइंसाफी हो कि भाई दूर आए हुए हैं, बुक्स उनके पास है नहीं, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी क्या वो ओपन बुक करेंगे, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय आज ये है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, और जब यहाँ पर कह दिया गया है कि 3 ड्यूरेशन में 3 सेशन में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्लीट डेट शीट मंथ के एंड तक आ जाएगी, 1 जुलाई से आपके एग्जाम होंगे और अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो ओपन बुक एग्जाम होगा। तो यहाँ पर ये डिटेल्ड डेट शीट के लिए अब हम इंतजार कर सकते हैं, उसके अपडेट्स के लिए आप यहाँ पर आप आ सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे और आप अगर आपको लगता है कि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और अपडेट्स ऐसे ही हम दे सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इट्स वर्थ सब्सक्राइबिंग, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों में जहां पर जो लोग भ्रम से परेशान हो रखे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा इस वीडियो से। और उम्मीद करता हूं कि जो र्यूमर्स का बाजार यहां पर चल रहा था वो शायद अब यहां पर ख़त्म हो जाए, और मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। अंत करते हैं इस वीडियो को, भारत माता की जय।